तो चलिए दोस्तों, ये देखिए कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये हम अटल टनल से थोड़ा सा पहले हैं। आगे सामने आप देख ही रहे होंगे कि आगे अटल टनल जो मनाली वाली साइड से आने वाला है। तो अभी रुक के मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा थोड़ा सा व्यू कि हमारे जो आगे पीछे क्या है। तो चलिए आगे, हम ये अटल टनल के अंदर एंट्रेंस कर चुके हैं। तो ये टनल के अंदर का नज़ारा है। ये टोटल 10 किलोमीटर की टनल है, काफ़ी लंबी टनल है ये। तो ये देखिए हम चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि इसके फ्रंट साइड पे भी बर्फ़ है और दूसरी साइड पे भी बर्फ़ है। तो अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, वो मुझे इसीलिए फील हुआ क्योंकि मेरे एक हाथ में ग्लव्स नहीं था। वो चक्कर ये था कि पीछे मैंने ना अपना फ़ोन चलाने के लिए ग्लव्स उतार दिया था, तो वो फिर पहनना भूल गया। तो मैंने कहा चलो टनल क्रॉस करने के बाद ही पहनेंगे। तो उसके कारण मेरा हाथ काफ़ी ज़्यादा ठंड के कारण सुन्न हो गया था। तो मेरे साथ वाला तो काफ़ी आगे निकल चुका था क्योंकि वो हिमालयन पर था और मैं मिट्योर के ऊपर था। तो हिमालयन तो आपको पता ही है, हिमालयन क्वीन है वो। तो वो काफ़ी आगे निकल चुका था जिसके साथ में आया था। हम टोटल 2 बाइकर थे। तो यहाँ पे स्पीड लिमिट होती है, पहले थोड़े से 1-2 किलोमीटर तक, 40 किलोमीटर तक की स्पीड होती है। जब हम 1-2 किलोमीटर आगे निकलते हैं तो फिर 60 किलोमीटर की स्पीड के साथ आप भगा सकते हैं गाड़ी। तो उससे ऊपर पता नहीं कोई स्पीड का कोई चलान है या नहीं है, वो तो कुछ पता नहीं था। लेकिन हम भी 60 के ऊपर तो नहीं चले, 60 से ऊपर ही थे। तो बस ये है कि अपनी साइड देख के चलाओ आप। तो अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंडिकेशन भी दे के रखी हुई है। तो आपको साइड पे जो LED बोर्ड नज़र आ ही रहे होंगे, वहाँ पे स्पीड भी लिखते हैं और साथ में टनल कितनी अभी बाकी बची है वो भी लिखते हैं भी। अभी 1 किलोमीटर पड़ी है या 4 किलोमीटर पड़ी है, वो सारे बोर्ड आपको बीच बीच में दिखाई देंगे। ये अभी साथ वाला मेरे आगे निकल गया, वो पीछे था अभी, मेरे को लगा कि आगे है वो। ये देखिए साइड पर बोर्ड आ रहे हैं ना, LED बोर्ड आ रहे हैं, वहाँ पर वो आपको स्पीड बता रहा है कि आप इतनी रखो, और साथ में आपको टनल का बताता है भी अभी कितनी बची है आगे। तो मेरे वाला तो आगे निकल गया, हिमालयन वाला, तो मेरे को लगा था शायद वो पीछे आगे है। सिर्फ ये बीच में एक छोटा सा डिवाइडर बना हुआ है, सिर्फ आपने अपनी साइड पे गाड़ी रखनी है। ये नहीं कि आप ओवरटेक करने के चक्कर में दूसरी साइड पे गाड़ी ले जाओ। पता नहीं अभी यहाँ पे कैमरे लगे या नहीं लगे क्योंकि गाड़ी काफ़ी तेज़ है, तो कुछ खास पता लग नहीं रहा। और ऊपर से मैंने हेलमेट डाला हुआ है क्योंकि उसका शीशा भी काफ़ी ब्लैक है, तो कैमरा उसके बाहर है। तो अभी तो गाड़ियाँ मेरे पास है नहीं कोई भी। और इंडिकेटर आप ऑन कर सकते हो, वैसे ज़रूरत तो होती नहीं है, वैसे लाइट वगैरह ऑन ही है अंदर टनल के। तो इसमें बाहर इंडिकेशन दी जाती है कि आप टनल के अंदर रुक नहीं सकते। अगर बिना वजह कि आप वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करने के लिए रुक जाओ या फिर किसी कारण करके आप वहाँ पे रुक जाओ, अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो ही आप रुक सकते हो अंदर। अदरवाइज़ ऐसे नहीं कि आप कहीं पे भी लगा के बैठ जाओ गाड़ी। पता नहीं उस चीज़ का चलान है या कुछ कोई और बात है, अब ये तो वहाँ की पुलिस को ही पता है। तो ये देखिए साइडों पे बोर्ड आ रहे हैं ना, तो अंदर काफ़ी अच्छा नज़ारा है लेकिन ठंड बहुत है अंदर। ये मेरा हाथ काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी ठंडा हो चुका था, मतलब सुन्न ही हो गया था हाथ बिल्कुल। तो आगे जाके मेरे को पता लगा कि मैंने गलती की, ग्लव्स डाल ही लेता। तो ये अभी 60 किलोमीटर का बता रहा, अभी आप 60 किलोमीटर तक भगा सकते हो गाड़ी, लेकिन गाड़ी हमारी काफ़ी तेज़ थी। अभी ये गाड़ी 70-80 के करीब चल रही है, 60 से ऊपर ही चल रही है गाड़ी ये। तो ये देखिए बीच बीच में रुकने के लिए भी साइड पे जगह आती है, लेकिन वो वहाँ पे रुकने नहीं देते, पता नहीं क्या कारण है ना रुकने का। तो ये हम चले जा रहे हैं, काफ़ी लंबी सुरंग है, 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर ऐसे नहीं भी पलक झपकते ही ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि 15-20 मिनट लग ही जाते हैं टनल क्रॉस करने के लिए। ये लगातार गाड़ी भगा रहे हैं क्योंकि मैंने अपने साथ वाले को कैप्चर करना था साथ में, तो उसके कारण मैं भी भगा रहा हूँ गाड़ी। तो इन्होंने डिवाइडर नहीं सही ढंग से बनाया, ऐसे टेम्प्रेरी डिवाइडर ही है, या तो प्रॉपरली बनाते। प्रॉपरली तो बनाया नहीं, बस ऐसे ही हल्के हल्के छोटे छोटे पिलर से खड़े किए हैं प्लास्टिक के, वो बंदा उसके बीच में चढ़ा दे तो पिलर भी टूटेंगे और साथ में खुद भी गिरेगा। कहीं पे हैं कहीं पे नहीं भी हैं, बस ये है पहाड़ी इलाके में आप अपनी साइड पे ही रहो। ये नहीं कि आप ओवरटेक करने के चक्कर में दूसरी साइड पे चले जाओ,
एक दो बार मैंने भी कोशिश की लेकिन मतलब बच गया पीछे से, जब हम अमृतसर से चले थे अमृतसर से मनाली को, मैंने भी ऐसे क्रॉस करने की कोशिश की थी लेकिन बचा हो गया मेरा भी, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है आपके। टाइम का कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का ही फ़र्क पड़ता है, तो 10-15 मिनट आप लेट चले जाओगे, आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा तो नहीं है 10-15 मिनट। हमने कौन से आगे जाके सोना ही है, क्या करना, और ये आगे जाके घूमना ही है, 10-15 मिनट लेट हो जाएंगे क्या फ़र्क पड़ता है। ये टनल का अंदर का हिस्सा है, बहुत ही अच्छा है, लाइटिंग प्रोग्राम भी अच्छा है और इंडिकेशन प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा है, और साथ में यहाँ पे स्पीकर भी बोलता है लेकिन वो समझ नहीं आती बोलता क्या। वो गाड़ी काफ़ी तेज़ थी, कुछ हेलमेट में वैसे भी कोई इतना खास पता लगता नहीं है, लेकिन अंदर ठंड बहुत थी। ये है कि इसके ऊपर, हम कहने का मतलब इसके ऊपर बर्फ़ पड़ी होगी तो अंदर टनल के अंदर बहुत ठंड थी। हम लास्ट टाइम भी होके गए थे यहाँ पे, आई थिंक लास्ट टाइम हम अगस्त में गए थे ले वाली साइड पे, तो उस टाइम पे भी ठीक था, कोई इतनी खास ठंड नहीं थी, लेकिन अभी ज़्यादा ठंड थी क्योंकि पीछे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुई पड़ी है ना। अभी मैंने आपको जब पीछे से एंटर किया था वो दिखाई थी आपको, तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण तो अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। तो ये देखिए क्रॉसिंग कर रहे हैं मारुति को। यहाँ पे एक दिक्कत आती है, जो हिमाचल प्रदेश के जो ड्राइवर होते हैं, जो आपकी रेंट वाली गाड़ियाँ होती हैं, वो जल्दी से आपको जगह नहीं देते निकलने की, पता नहीं क्या सिस्टम है उनका, वो जल्दी से आपको जगह देंगे नहीं, आप रिक्वेस्ट भी कर दोगे तो भी नहीं ये देंगे, पता नहीं कोई उनकी कोई ईगो होती है या कोई और चक्कर होता है, ये जल्दी से रास्ता देते नहीं आपको। हाँ अगर आप बार बार हॉर्न दे रहे हो फिर शायद वो दे दें जगह आपको। मोस्टली ज़्यादा हमें यहाँ पे पंजाब की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे गाड़ियाँ हमें अमृतसर की ही मिली, PB02, कुछ लुधियाना की थी, कुछ तरन तरन की, कुछ गुरदासपुर की, और ज़्यादा PB की गाड़ियाँ ही मिली, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं होली की, तो मोस्टली ज़्यादा लोग आनंदपुर मेले से होके फिर इधर मनाली वाली साइड पर आ जाते हैं, जो मणिकरण साहब वहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो सारी जनता भी इधर आई हुई है, तो इसलिए हमें ज़्यादा PB की ही गाड़ियाँ मिल रही थी। तो ये बिल्कुल एग्ज़िट पॉइंट की तरफ अभी हम बढ़ रहे हैं, तो अभी ये जो मैंने वीडियो है थोड़ी काट काट के रखी, क्योंकि ज़्यादा लंबी बनाता वीडियो तो देखने वाला भी बोर हो जाता है, तो बीच में मैंने थोड़ी सी वीडियो काटी थी, क्योंकि हमें क्रॉस करते करते 15-20 मिनट लग ही गए थे टनल को, अगर हम ऐसे ही भगा रहे थे इसी स्पीड के ऊपर 70-80 पे। तो ये अभी फिर बोर्ड आया ना 40 किलोमीटर का, कि अभी आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार से चलाओ गाड़ी, क्योंकि अभी जो एग्ज़िट पॉइंट आ रहा है आगे, तो ये साइड से मैं क्रॉस करता हूँ, ओवरटेक करता हुआ जा रहा हूँ, वैसे करना नहीं चाहिए ऐसे क्योंकि जगह पूरी पूरी ही है, तो फिर भी मैंने कहा कि चलो आगे वाला, मैं कहा आगे ना निकल जाए, उसके कारण मैंने क्रॉस किया ये दो गाड़ियों को। तो ये टनल यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, तो हम आ चुके हैं बिल्कुल टनल के छोर पर, ये सामने आ गया दूसरी साइड पे, ये टनल का दूसरा हिस्सा है जहाँ से हम अभी एग्ज़िट कर चुके हैं, तो यहाँ पे पुलिस वाले रुकने नहीं दे रहे थे, तो वो टनल का दूसरा हिस्सा है। ये 10 किलोमीटर हम पूरा पहाड़ क्रॉस करके आ गए, यही हमें पहाड़ क्रॉस करना पड़ता तो मेरे ख्याल से 2 घंटे लग जाने थे, तो ये बीच में से टनल ने काफ़ी हद तक कवर कर लिया, ये सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये आगे आ रहा है चंद्र ब्रिज, ये ले जाने के लिए सबसे पहला ब्रिज है, अगर हम राइट हैंड को हो जाएंगे ये रोहतांग को जाता है रास्ता, और अगर हम लेफ्ट हैंड पे हो जाएंगे तो ये चला जाता आगे ले लद्दाख को, आगे सिस्सू पास आएगा, उसके आगे फिर जिस पास सरचू केलोंग वगैरह सारे होते हुए आगे निकल जाता है ये अपना, ये सामने बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा है ले वाली साइड पर, ये एरो दिए हुए हैं किधर किधर जाता रास्ता, तो यहाँ पर थोड़ा सा व्यू पॉइंट है, लेकिन पुलिस वाले ने रुकने नहीं दिया हमें, तो ये मना कर रहे हैं यहाँ पे गाड़ी मत लगाओ, उसके कारण गाड़ी हमने आगे चला ली। तो आगे जाके चलिए रुकते हैं, सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है, ये नीचे एक झरना भी है, तो मोस्टली ज़्यादा हमें यहाँ पे बर्फ़ ही नज़र आई चारों तरफ।